आपका आशीर्वाद जी। ट्रांसपेरेंसी इतनी नॉर्मली मिलती नहीं जितना जेमी है ये। रोज क्वार्ट जाए सेम मटेरियल लेकिन वो गुलाबी स्फटिक सब महाराष्ट्र ही है। महाराष्ट्र की धरती में सोने से भी ज्यादा कीमती चीजें गुलाबी स्फटिक से गोल्डन इनेमल से उसने पेंट अच्छा, किया अच्छा, अच्छा। तो ये बहुत महंगा पीस है मगर कितने 1 करोड़ का पीस है ये 40 किलो 1 करोड़ का बहुत भारी है कितना किलो अराउंड 40 किलो 40 किलो 40 किलो 40 किलो मैंने सरकार को कहा ये रायगढ़ का है ये ऐसा नेचुरली निकलता है वो ऐसा वो जो सब नेचुरल ताई इसको सिर्फ पानी से धुला और कुछ भी हम करते नहीं इसके लिए कहीं भी इन्वायरमेंट अभी ये पत्थर हो गया ये अंडे की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में 1.25 लाख रुपए है और ऐसे करोड़ों अंडे नागपुर और लाहौर में पड़े हुए हैं और अभी वो मिट्टी में बदल गए क्योंकि या तो इसको आप प्रिजर्व करो अभी वो सॉयल इरोजन से अभी ऊपर क्योंकि जो क्षरण होता है पृथ्वी का उससे वो एक्सपोज हो जाते हैं है वो पूरे अप्पा इधर आओ आप हमेशा गड़बड़ में आए अप्पा ये पीस की कीमत खदान में गार्गोली खदान में पुणे के पास इसकी कीमत 10 लाख रुपए खदान खदान में हम चकरे इसकी कीमत 25 लाख है भाई पूरे विश्व में वाघोली ऐसी जगह है जहाँ ये निकलता है एक दो जगह और निकलता है लेकिन वो माइक्रोस्कोप से ही आप देख सकते हो उसको आँख से ऐसा नहीं देख सकते बिना माइक्रोस्कोप के तो ये सरकार को माहिती पाइजे और सरकार को इसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए हमारी सरकार करती क्या कोई आप काम करे उसमें अड़चन डाल दो करे भी तो कोई ज्यादा फर्क नहीं है भाई जूस ऑरेंज जूस जो भी कुछ थोड़ा बस हो गया वावी बन जाते हैं ना वावी रास्ते में शिरडी ये वावी में निकलता है
4.5 लाख का हमने खरीदा पूरा लगा दिया उधर कुछ भी। मैंने कहा 5 बजे की यहाँ से निकलेंगे, मैंने कहा छोड़ दो। आपको दे देना वापस जी सर, खाली फोटो के लिए रख जी जी इकड़ा पाइस ये सब राजीव गांधी भवन में 1 नवंबर से 3 महीने से आपसे ऐसा निवेदन है कि किसी अच्छे जो गांधी परिवार से किसी से उसका उद्घाटन कराइए, फिर वो राजीव गांधी भवन बाबा खटक सिंह मार्ग पे सरकार ने हमको जगह दी है 3 महीने के लिए। मैं आपसे निवेदन करता हूँ उसको किसी अच्छे से जिससे लोग पूरे भारतवर्ष की निगाह जाएगी, अरे ऐसा क्या था जो देखने को गए, और आज तक ऐसा कभी किसी ने किया नहीं, हमारा पहला प्रयास है। तो एक हमें आप पत्र दे दीजिए जी, हम पत्र दे देते हैं इस तरीके का जी, तो फिर हम उनसे अप्रोच करेंगे जी। ठीक है, और ये लगे निकल गया राइट अवे। ये जो टेक्सचर इसको बोलते हैं एगेट, ऐसा कॉम्बिनेशन बहुत कम निकलता है, और ये भी अपने औरंगाबाद में अजंता के पास ये एगेट बहुत है, इसकी भी बहुत कीमत है। अब बताए कहीं का डोंगर 10 रुपया किलो बिकता है, ये महाराष्ट्र का ही डोंगर है 10 रुपया किलो डोंगर बिकता है, गेहूं का भाव 8-9 रुपया किलो होगा 10 रुपया होगा, पर अपना महाराष्ट्र का डोंगर 10 रुपया किलो बिकता है, माहिती नहीं कहीं का। ये तो जलगांव का ऐसा होता है उसको वैसे ही लगे एकदम इवन ये ऐसे ही है, देखिए आप सगड़ी लाइन नासिक जलगांव है सगड़ी 100% This entire collection is 25 crore. I have another collection lying there that is worth around 500 crores. But this is all. ये हिमाचल का है आप। इसकी कीमत वर्ल्ड मार्केट में होगी 2000 रुपए। हिमाचल में बहुत निकालते हैं। नासिक वनी माता के, वनी माता के रास्ते में एक जगह पड़ती है ओजर खेड़, ये ओजर खेड़ जगह धरण लागतं, तुम्ही त्या जमिनी थांबवल्या ना ताईसे त्या गावाकडचे पिंपला वाडीवाराचा परिसर आहे ना, मी तिथली खाणी मोठमोठ्या खाणी inaugurating it, Heritage Maharashtra from November 1 to 30th January, 31st January. Okay. I will leave now. Okay. पुआवी का पत्थर देख लो, एक कुएं से एक ढेर से निकला है पूरा ये अलमारी का पूरा अलमारी का एक ही कुएं से, एक सरीका दिखता भी देखे टिप पे एक जगह से इतना सारा निकलेगा ऐसा मुझे लगा नहीं, इसमें कुछ है। अभी ऊपर आपको दिखाता हूँ, एक कुएं से 4 कोटी के पत्थर निकले, 4 कोटि के इंटरनेशनल मार्केट की वैल्यू बता रहा हूँ। तो खोपा असतो ना दगडाचा खोपा जर सापडला त्याच्यामध्ये बरोबर हे जसं एखादं फळ असतं ना फळाच्या सेम तसं दिसतं खाली।
कहता ये ट्यूब मध्ये आहे क्या, जैसे लावा फ्लो हुआ ट्यूब में, कड़क तो बाद में हुआ ना, पहले तो ये लिक्विड फॉर्म में था मैग्मा, तो जैसे जैसे नदी का बहाव है वैसे इनका बहाव है। अच्छा, महाराष्ट्र में अरबों की पत्थर रहता है, अरबों का मतलब हम खुद जब तक पत्थर बने बैठे क्या कर सकते हैं। बोलो आप कि इसमें कुछ टूटा नहीं, ऐसे हम निकाले इसको। आदमी 100 वर्ष जीता बोलता आदमी बहुत एक्सपीरियंस है, 650 लाख वर्ष, और भी साइंस, इसमें कोई स्टोरी नहीं है, इट इज ऑल वर्ड ऑफ साइंस। इसके जो नाम भी दिए गए सब साइंटिफिक नेम है, जैसे एलिमेंट्स के नेम और वैलेंसी उनके गुड़ और वो दे, वैसे इसके भी पूरा वर्ड चेयर है। अगर कोई नया मिनरल निकलता है तो वो चेयर बैठती है साइंटिस्ट। ब्राजील से देख रहे हैं। This piece we have sold for $150,000 to one museum. We are going to deliver it in the February. ये तो नर्मदा के शिवलिंग, नर्मदा के जो तो ये जो आप देख रहे हैं सब ये आयरन स्टेन से, ये सब नेचुरल, ये नर्मदा की विशेषता है। शक्ति है नर्मदा के पत्थर। एक इंडियाना जोन्स की मूवी भी इसके बारे में आई है, कभी आपको टाइम मिले देखेगा, सेक्रेट स्टोन। पूरे विश्व में इसकी महत्ता लोग मानते हैं, पर हम तो मिनरलॉजी के हिसाब से करेक्ट किए, इसको सालिग्राम भी कहते हैं इसको। नॉर्मली कॉपर को हम रिफाइन करते हैं, तो मदर अर्थ ने खुद रिफाइन किया है, मिशिगन का है, बहुत ही अद्भुत पत्थर है, एकदम 99% कॉपर प्योरिटीज के साथ है। ये अपना न्यू वो है, क्या कहते हैं इसको आप, जिसका अपना जो न्यूक्लियर में यूज करते हैं यूरेनियम, दिस इज अ यूरेनियम मिनरल, ग्रीन जो आप देख रही हैं। अच्छा जी, यूरेनियम मिनरल्स, ये आयरन क्रिस्टल्स हैं नेचुरल फॉर्म में, वो शीशे का क्रिस्टल है जो आप देख रही हैं वो ऑरेंज कलर का। अच्छा जी, लेड क्रिस्टल। गुलाबी, कोई ग्रीन, कोई हिरवा, बच्चे स्कूल उद्घाटन भी खूप जोरात केलं होतं त्यांनी,
त्यांना प्रतिसाद जसा पाहिजे तसा अजून मिळाला नाही. त्यांनी अपेक्षा तुमच्याकडे आता केली. अपेक्षा नाही, आशीर्वाद पाहिजे काय जिंदगी में. जो नाही चाहते तो भी गारगोटी नहीं दे दिया. कोई आदमी गारगोटी से भी सेलिब्रिटी हो सकता है, ये हमने और क्या चाहिए. क्यों, एक फौजी आदमी को और क्या चाहिए. आई एम फ्रॉम सर्विस. बताइए. बहुत मेहनत की. गुलाब जामुन तुमचा ते गुलाब जामुन ची किंमत 2 लाख रुपये. आणि ते विरगळल्या पण जाणतंय. भाई ये पीस करूर तमिलनाडु का है. ये बिजनेस इंडिया, बिजनेस टुडे, फ्रंट लाइन, आउटलुक सब में आ गया है. ये 25 करोड़ का मैंने बेचा. मैंने 55 लाख में लिया था. मैंने सरकार को बताया. ऐसा टनों में उधर पड़ा है. आई मीन अप्पा लाइक, मैंने कहा मैं किसी भी प्लेटफॉर्म से डिबेट के लिए तैयार हूँ कि इस देश को जो गरीब कहते हैं उनसे ज्यादा कोई मतलब क्राइम कोई करता चाहिए चाहिए. देखिए यहाँ की भौतिक संपदा चाहिए चाहिए. शुगर यहाँ जो जन संपदा जिसके लिए अपन रोते, इतना डेलीजे हम भाई हर महीने कोई ना कोई देश विजिट करते हैं. मतलब 15 सालों में मैंने कम से कम 100 देश विजिट किया होगा रिपीटेड टाइम्स से. इसलिए नहीं कि मैं भारतीय हूँ. अपार संपदाएं कितनी बार लुटने के बाद भारत ने अपार संपदाएं अभी भी बोली है. आज देखो बाबा रामदेव बाजार में मिलती नहीं. शाह लवकर पाई, चीनी अलग से और जरा अदरक डालना, ज्यादा मत डालना कि तीखा हो जाए. जल्दी 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 ये छोड़ जाइए अभी तक. इसको पीना होगा पी लेगा. मैंने इसमें लिखा भी है कि आई सोल्ड फॉर 25 करोड़. मैंने जिसको बेचा उसका नाम भी लिखा है. इटली म्यूजियम में किसी को बेचा है. 55 लाख में मैंने खरीदा था. सबको बताया मैंने. देश के किसी भी जिम्मेदार नागरिक को मैंने छोड़ा नहीं. और टनों में ताई है ये. दिस इज अ जेम स्टोन. एंड जब मैंने पूरे विश्व को बताया कि ऐसा हमारे पास है तो उन लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास नहीं किया. कि वो बोलते इंडिया में ऐसा निकल ही नहीं सकता. इंडिया में कभी हमने कहा इंडिया में क्यों नहीं निकल सकता. नगर का पीस है. दिस पीस वाज सोल्ड फॉर 10 लाख जस्ट लाइक दैट. और आपको मालूम होगा उधर एक जगह है राहुरी. राहुरी के जस्ट पीछे मोमिना खड़ा है. उधर एक कुएं में 2 कोटी का पत्थर निकला था. 2 कोटी का. वो आदमी को भेर खनने को पैसा नहीं था. बाद में उसको 10 लाख मैंने दिया. 10 लाख हमारे किसी और ने दिया. 20 लाख में हम लोगों ने 2 कोटी का. 1 कोटी का मैंने लिया, 1 कोटी का उसने. वी पेड हिम 10 लाख. ही वाज टोटली, ही वाज नॉट हैविंग इवन 20,000. डिग द वेल. नसीब नसीब आप साथ लेके गए ना उनका. ताई का फोटो हमारा नहीं. ताई ने वजन कम कर लिया है. आई मस्ट कांग्रेचुलेट यू. पंडित जी आप दिखाओ ना. मतलब ताई ये बराबर ऐसा है. ताई ऐसा ऐसा काम. दिस वाज द पीस सोल्ड फॉर 40,000 यूरो. इवन आई सजेस्टेड टू द आर्मी पीपल आल्सो व्हेन दे रिटायर. एवरी स्टेट हैज समथिंग टू ऑफर. आई मीन मैं तो महाराष्ट्र का फायदा लेता हेलीकॉप्टर्स. पर आई वाज कलेक्टिंग रॉक सिंस आई वाज 16. मैं ए प्रोडक्ट ऑफ नेवल कॉलेज ऑफ इंजीनियर्स एनएस शिवाजी लोनावाला. कहां का किसका इंटरेस्ट कहां चला जाएगा देखो. इसलिए मैंने आपको बोला क्योंकि आप आर्मी से है ना. जी ये देखो बल्कि मिट्टी में से सोना कैसा निकाला जाता. एक बार अच्छा फोटो खींच के कोई डिस्टर्ब मत कर. एक फोटो ले ले जा तू तेरे फिर ऊपर ले जा आराम से. अभी मुझे भारत गौरव पुरस्कार अब मिलेगा ताई के विजिट से. हिमालय गौरव तो मिलेगा. ताई भारत सरकार से मिलते थे गौरव. ऐसे ही है. आप जो लोग इतना आज 1,500 लोग हमारे लिए काम करते हैं,
जिनके पैर में चप्पल नहीं थी आज वो कार से चलते हैं, जो गारगोटी को पनौती समझ के वो फेंक देते थे। अतिशय झोपडपट्टीतली माणसं जी आहे ना ती आता घर बांधून यांच्यामुळे फोर व्हीलर मध्ये खरोखर फिरायला लागली, नाही तर पहिली ती आपा उनके बच्चे कॉन्व्हेंट में पढते हैं, दे आर ड्राइविंग एटलीस्ट मारुति वैन, उनके पास रो हाउसेस है, जिनके पास घर में छप्पर तक नहीं थी। एक तो गंगापुर का मुझे मालूम है जगताप, जगताप तो अब्बा बहुत ज्यादा उस पर परेशान हो गया, बार का अच्छा कर दिया आपकी वजह से, उसने तो ज्यादा शराब पी के बर्बाद कर दिया अपने आप को। ये तो बड़ी बुरी बात है हमारे महाराष्ट्र में, और भी कहीं है मुझे मालूम नहीं, मगर पैसा मिला कि दारू आई। ताई हमने यहाँ पे जितने भी गांव खेड़े की लेडीज है जो हाई स्कूल फेल है उनको हमने जॉब दी है, आई पे देम 4,500 रुपीज, क्योंकि वो शराब नहीं पियेंगे, वो अपने परिवार को बराबर, हमने आदमी को नौकरी नहीं देते इधर म्यूजियम में, बाई को नौकरी देते, उसको मिनिमम पेमेंट 4,500 रुपए, यूनिफॉर्म पन है साड़ी की, वो 4,500 बराबर गाँव खेड़े में जाएंगे, उसका परिवार बड़ा आराम से चलता है, और इधर ही बाजू में फैक्ट्री में उनको 1,500 रुपया मिलता था, उनको थोड़ा मराठी थोड़ा हिंदी थोड़ा गुजराती, उनको 1,500 रुपया मिलता था। हम उनको जब बोले हम आपको इतना पगार देंगे, उनकी आंखों में आंसू थे, ये जो अभी आपको टीका लगा रही थी सब सब लोकल मराठी है, लेकिन मैरिड, मैंने कहा नहीं वो अनमैरिड होगी छोड़ के चली जाएगी फिर मेरा सारा ट्रेनिंग लग्न झाल्यावर निघून जाणार माझी कंपनी। क्या पाहून के ट्रेनिंग करना पड़ता ना, जैसे 4,500